बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि मैम RRV क्लर्क में एग्जाम हॉल में मेरी क्या स्ट्रेटेजी हो कि हम मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर कर पाएं. ओके, क्योंकि बहुत सारे आपने स्टेट्स में देखा होगा कि आपकी कट ऑफ जो है वो 75 प्लस या 80 के आसपास 79 भी गई थी. हालांकि जैसे यूपी जैसे स्टेट में कम गई थी क्योंकि वहाँ वैकेंसीज ज़्यादा थी. ठीक, तो चलो देखते हैं, क्योंकि हमें तो अपना 100% देना है एग्जाम में ताकि हम कट ऑफ क्लियर कर लें. तो चलिए मैं बात करती हूँ रीजनिंग और मैथ्स की. जो लास्ट ईयर मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था गाइस, तो उसमें मैंने 80 out of 80 अटैम्प्ट किए थे और मेरे मार्क्स भी 80 आए थे. ओके, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ईजी था और अगर आपकी स्पीड एक्यूरेसी अच्छी है देन आप ईजिली कर सकते हो. अब मैंने नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया था, तो मतलब पॉसिबल है, सब कोई कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, बस इतना जान लो. और इसके बाद आप डेफिनेटली अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आप 75 प्लस मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हो. ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग और मैथ्स. तो आपको पता है 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस. ठीक, टास्क तो बड़ा लगता है बट पेपर इजी आता है, देन आप इजीली कर सकते हो. ओके, रीजनिंग में देखो क्या क्या टॉपिक्स थे जो लास्ट ईयर देखने को मिले थे, मैंने लिख दिए हैं. पजल सीटिंग आपका 22 से 25 नंबर का आया था. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 मार्क्स. सिलॉग्स आपका 3 से 5 नंबर का देखने को मिला था, और अगर 3 नंबर का सिलॉग्स था तो 2 इनइक्वालिटी दे दी थी कभी कभी इसमें, या फिर आपकी इनइक्वालिटी कभी 5 नंबर की बहुत कम देखने को मिलती है. अगर आएगी तो फिर सिलॉग्स नहीं आएगा, बाकी के पोर्शन आपको अच्छे लेवल देगा वो. ओके, ब्लड रिलेशन 2 से 3 नंबर का था. डायरेक्शन भी आपका 2 से 3 नंबर का आता है. कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 नंबर का देख सकते हो. अगर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होगी तो आपको वहां पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बाकी मिसलेनियस में आपको 2 से 3 नंबर का देखने को मिल सकता है. ओके, तो 40 नंबर का इधर आता है आपका, और ये मैथ्स हो गया. अब मैथ्स में भी आपका लेवल ईजी रहता है. DI आपको 5 से 10 नंबर की मिल सकती है, जिसमें वेरिएशन आपको लाइन, बार, पाई और टेबल मिलेंगे. ईजी रहेगा एकदम क्वेश्चन का लेवल, टफ नहीं रहेगा. ओके, लाइन ग्राफ मिलता है तो मैंने आपसे बोला था पहले कॉपी पे लिख लीजिए फिर उसके बाद सॉल्व करिए, तो आप इजीली जल्दी सॉल्व कर ले जाओगे. अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम आपको 12 से 13 नंबर का मिलेगा, 12 to 13. सिंप्लीफिकेशन आपको 8 टू 10 मार्क्स का मिल सकता है. अप्रोक्सीमेशन इसमें ज्यादातर आता नहीं है, अगर आएगा भी तो बहुत इजी लेवल होगा, आप इजीली इसको बना लोगे. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 to 5 मार्क्स का. ओके, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज में से 5 to 6 मार्क्स का. कभी कभी इन दोनों में आपको मैंने जैसा पहले ही बताया था कि कभी कभी ऑप्शनल होता है, या तो मिसिंग या रॉन्ग दे देगा या फिर आपको क्वाड्रेटिक दे देगा, तो ये आपके शिफ्ट वैरी करेगा. केसलेट की बात करें 4 to 5 मार्क्स का मिलेगा और एकदम सिंपल होता है केसलेट. अगर मैं अपने शिफ्ट की बात करूं तो मेरे में 4 नंबर की आई थी. ओके, 5 नहीं 4 नंबर की, तो एकदम सिंपल थी, मैंने करी थी. ओके, अब बात करते हैं वे टू अटेम्प्ट क्या होना चाहिए गाइस. ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना है, आपके ये सारे टॉपिक्स स्ट्रांग होने चाहिए. पजल सीटिंग बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जैसे RRB PO में आया था. यहां पर मैं आपको बता दूं जो आपका क्लर्क में लेवल रहने वाला है उसमें आपकी पॉसिबिलिटीज आगे आप जब पढ़ोगे क्वेश्चन को आपकी कैंसिल होती जाएंगी, मतलब आपकी 1 से 2 केस में ये बन जाएगा. ओके, इजी आएगा. अब यहाँ पजल और सीटिंग के मैं टॉपिक्स बता दूं, फ्लैटन फ्लोर हो गया आपका, फ्लोर बेस्ड पजल हो गई, मंथ बेस्ड हो गई आपकी. ओके, बहुत ज्यादा टफ यहाँ नहीं आएगा. बाकी सर्कुलर सारे अंदर बैठे हैं या बाहर बैठे हैं, नॉर्थ या साउथ इस तरह से, या स्क्वायर शेप में आ गया, 8 पीपल बैठे हुए हैं, या नॉर्थ लीनियर में आ गया, तो आप समझ सकते हो. फ्लैटन फ्लोर भी अगर आता है तो सिंगल वेरिएबल और बहुत ईजी आएगा, ईस्ट वेस्ट वाला आप कर लोगे. ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें सीटिंग और पजल की. और बाकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी इजी आएगी. अगर मीनिंगफुल वर्ड आपके में एग्जाम में आता है देन आप उस एक क्वेश्चन में अगर श्योर हो तभी अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज नेगेटिव करके मत आइएगा क्योंकि वो भारी पड़ जाएगा. सिलॉग्स में आपका इजी रहता है सिलॉग्स. ब्लड रिलेशन 2 to 3 मार्क्स का इजी आएगा. डायरेक्शन इजी, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये आपको सबसे पहले करना. अब वे टू अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो रूल नंबर 1 आपका ये है कि कोई रूल यहां पर नहीं है. ओके, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, पर मेरे पर करना, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना. ओके, रूल नंबर 1 आपका ये है कि आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखना सीधे कि मैं मैथ्स करूँ या रीजनिंग करूँ, आपको स्टार्ट करना है रीजनिंग से. ओके, और जो क्वेश्चन सामने पड़ता जाए सारे करते जाइएगा, यहाँ स्किप वाला कोई रूल नहीं रहेगा. हाँ, एक आध क्वेश्चन में अगर आप कॉन्फिडेंस कम फील कर रहे हो देन स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो. ओके, बाद में आके उसको आप देख सकते हो. तो रीजनिंग से स्टार्ट करोगे, पहले आप करते जाओगे लीनियर बेस, जो भी लीनियर एक सिंगल वेरिएबल की पजल्स होंगे उनको फटाफट करते जाइएगा. रूल 2 ये है आपका कि यहाँ पर ये नहीं सोचना है आपको स्किपिंग वाला, वही मतलब रूल 1 को फॉलो करना, रूल 2 आपका यही है. ओके, तो रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करना है, मैथ्स बाद में अटेम्प्ट करना है, ये आप शुरू से मेरी बात सुन लो. ओके, इसमें करना. PO में मैंने आपको बताया था स्किप करने वाला, बट इसमें नहीं है क्योंकि इसमें आपको मार्क्स भी ज्यादा लाने, इजी पेपर होता है. ओके, अब बात आती है क्या करना है. तो अब देखो लाइव मॉक आज मैं आपका लेने वाली हूं 10 बजे, जिसमें रीजनिंग मैथ्स दोनों होगा, तो आप वहां से अटेम्प्ट करने का तरीका लाइव देख सकते हो. ओके, तो 10 बजे रात में आज मेरे साथ जुड़ना, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मॉक
करेंगे आरआरबी क्लर्क का। मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग और मैथ्स कैसे अटैम्प्ट करना है सारी चीज़ें बताऊंगी। बाकी आज आपका 12 बजे तक एक लाइव मॉक है गाइडली पर, वो एकदम फ्री है, तो आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हो आरआरबी क्लर्क के लिए। वीडियो मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, उसकी लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप जाकर उसे अटैम्प्ट गाइडली की वेबसाइट या ऐप पर कर सकते हो। ओके, तो आपको ये फ्री मॉक मिल गया। बाकी रात को 10 बजे जुड़ना ना भूलें, मैं आपको पूरा लाइव मॉक करवाऊंगी रीजनिंग मैथ का कि कैसे अटैम्प्ट करना है और कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल लाइव पूरा मिलेगा। ओके, बाकी ये स्ट्रेटेजी आप अगर फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, अब यहाँ मैंने कुछ स्किपिंग का इसलिए नहीं बताया, अगर आप यहाँ पर कुछ भी स्किप करते हो देन आप वहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि आपके कट ऑफ नहीं पता आपके स्टेट की कितनी जाएगी। बाकी ये केस मैंने बताया है, आपका मोस्टली ऐसा होता है कि पेपर आपका ईजी आता है आरआरबी क्लर्क का। अब मान लो किसी केस में मॉडरेट आता है, देन आप उसके अकॉर्डिंग जाओगे। ये नहीं कि कोई एक रूल है कि नहीं मुझे छोड़ना ही नहीं है, मैं पूरा पेपर अपना बर्बाद कर लूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप यहाँ पर स्किप ना करो, क्योंकि पेपर बहुत इजी आएगा। तो जितना हो सके मॉक टेस्ट दो, डेली दिन में 3 मॉक टेस्ट तो दीजिए, क्योंकि पेपर आपका करीब है। 3 मॉक टेस्ट आपको डेली इस टाइम देने हैं, उसी से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आएगी। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, जरूर मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।